तो दोस्तों स्लिंग बन के चार वायर के साथ कैपेसिटर की कनेक्शन किस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दो दो करके दो कलर की चार वायर है, रेड कलर की वायर रनिंग कॉइल का और ब्लू कलर की वायर स्टार्टिंग कॉइल। दोनों कॉइल में से एक एक वायर को लेकर एक कॉमन कनेक्शन बना लेंगे। उसके बाद ये जो दो कॉइल की दो वायर रह गया है वहाँ पे हम कंडेंसर की दो वायर कनेक्शन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर बल्ब स्विच बोर्ड से लाइन को लेकर एक वायर दोनों कॉइल की कॉमन कनेक्शन में देना है और एक वायर रनिंग कॉइल में देना होता है जो कि रेड वाला। उसके बाद फैन एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो कनेक्शन ठीक है और क्लॉकवाइज घूमे तो कनेक्शन गलत है, और एक क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब कनेक्शन गलत है, फिर कनेक्शन को सही करना पड़ेगा। उसके लिए हमको दोनों कॉइल में से किसी भी कॉइल की दोनों वायर को आपस में चेंज कर देना होगा कुछ इस तरीके से। इसकी लॉन्ग वीडियो चैनल में डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कॉइल की वायर को चेंज करने के बाद फिर से एक इनपुट देना है दोनों कॉइल की कॉमन में और एक इनपुट रेड वाला रनिंग कॉइल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब कनेक्शन हमारा सही हो गया है। तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।